जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको बता दें कि यदि आप इन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन का भी यदि सही जवाब कर लेते हैं, ठीक है ना, ये अंतिम प्रहार और अंतिम प्रयास हम आपके बीच लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का। एक और हम देंगे आपको, वो हो सकता है तो 1 तारीख के रात में होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये अंतिम प्रयास और ये अंतिम प्रहार हम आपके बीच लेकर आए हैं। यदि आप 100 में से 70-80 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं ना, तो आप अपने आप को ये समझिएगा कि आपकी तैयारी बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप पेपर और पेन ले लीजिए एक बार, ठीक है ना। जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार पेपर और पेन ले लीजिए, पेपर पेन लेकर बैठिए, ठीक है। और इसके बाद एक एक करके क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आएंगे और आप वीडियो को रोक दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को रोक कर और पहले सवाल को खुद बनाइएगा, फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा आप, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि आपने कैसे बनाया और हमने इस सवाल को कैसे बनाया है, ठीक है। तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है अब, ठीक है ना। क्या आप बोर्ड एग्जाम में इस बार 50 पे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफल हो पाएंगे? और यदि हाँ, यदि आपने 80 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया तो समझ लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही जवाब देने में बिल्कुल समर्थ हैं, ठीक है ना। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपको एक बात और जानकारी देना है कि यदि आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जिनका एग्जाम 2025 में है, मतलब अगले साल है, और यदि वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो हम आप लोग को बता दें कि इसके लिए क्या करना है कि आप एक मिनट थोड़ा सा ये खुल जाए, ठीक है। देखिएगा, हाँ, तो उनको क्या करना है कि एक नंबर अभी हम आपको दे देते हैं यहां पर, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, देखिए एक नंबर यहां पर लिख देते हैं हम, ठीक ना। आपको इस नंबर पर जो भी जुड़ना चाहते हैं उनको इस नंबर पर, ये नंबर जो आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है, ये नंबर आपका है 6200122528, ठीक है ना। अभी 31 दिसंबर तक यानी कल तक, सॉरी 31 जनवरी तक यानी कल तक इसका फी मात्र 699 रुपया रखा गया है, ठीक है। कल तक जिनका एडमिशन हो जाएगा उनके लिए मात्र 699 रुपया रखा गया है। और इसके बाद इसका फी जो है ना ये 999 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये फी आपका 999 रुपया हो जाएगा। तो 31 जनवरी तक जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है, मतलब अगले साल होने वाला है, उन लोग के लिए पूरे कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए आपको मात्र 699 रुपया लगेगा। इस नंबर पर पे करना है स्क्रीनशॉट लेकर, जो है आप उस स्क्रीनशॉट को इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे और नीचे आप अपना डिटेल लिखकर भेजेंगे, आपका नंबर जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है ना, जहां से आपको लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, और आप पूरे के पूरे क्लास को कर पाएंगे। चलिए भाई अब शुरू करते हैं। देखिए, तो आपका जो पहला सवाल है वो आपके बीच है और यदि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है ना। सवाल आपका है कि साइन एक्स डिग्री होना चाहिए, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, यहां पर साइन एक्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, एक्स डिग्री होना चाहिए। तो साइन एक्स डिग्री, हमने आपको पहले बताया है कि किसी भी सवाल का डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, आप डिग्री में उसका डिफ्रेंसिएशन भी नहीं कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, इसको सबसे पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन होता है पाई बटा 180 इंटू क्या हो जाएगा एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका कॉस पाई बटा में 180 एक्स, ठीक है ना। और एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट दिख रहा है उस कॉन्स्टेंट को आगे रख देना है, इसका आंसर हो जाएगा पाई बटा में 180 कॉस पाई 180 एक्स, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। और यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न आपका है दूसरा, यहां देखिएगा, ये आपका दूसरा प्रश्न है।
प्रश्न इतना मजेदार है, इतना बेहतरीन सवाल हमने आज लेकर आया है आपके लिए, जो आप यदि बनाएंगे और यदि आपका सही हो रहा है बिना बेईमानी किए हुए, ठीक है ना, बिना बेईमानी किए हुए यदि आप 100 में से किन्हीं 80 प्रश्नों का जवाब दे देते हैं सही सही, तो समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ईमानदारी जरूर बरतिएगा उसमें, ठीक है। चलो भाई देखो, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि आपको जब भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो जितना फंक्शन उतना बार डिफ्रेंसिएशन सबको गुना में लिखेंगे, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन, जो इसके गुणांक में है उसको लिखना पड़ेगा, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, और 5 का डिफ्रेंसिएशन 0 तो छोड़ दीजिए, यानी इसका हो जाएगा -1/2 रूट अंडर एक्स साइन रूट एक्स प्लस में 5। अब चेक करेंगे इसका ऑप्शन कहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसका आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखो भाई कितना मजेदार प्रश्न है। अब इस प्रश्न को एक बार आप देखिए, अब एक बार इस प्रश्न को देखिए और आप बताइए कि इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। सवाल को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ठीक तरीके से। क्वेश्चन आपका है e^x है, और यहां देखिएगा आगे में 3 लगल है, ठीक है ना, यहां पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जब इसको पावर में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, पावर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अब डिफ्रेंसिएशन e के पावर वाला का जो डिफ्रेंसिएशन है ना, वो ज्यों का त्यों होता है, इसका ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो e हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। अब x के पावर 1/3 का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे भाई, देखिए इसके लिए क्या करना होता है कि पावर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, और पावर में से एक कम कर लेंगे, एक कम कर लेने के लिए नीचे वाला को जो है ना ऊपर वाला में से घटाते हैं, तो तीन में से सॉरी एक एक में से तीन घट जाएगा, ऐसा ही ना होगा, एक में से तीन घट जाएगा तो हो जाएगा आपका -2/3, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा e^3 e^x, और आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं x^1/3, और इस पावर का यदि माइनस हटता है, ठीक है ना, पावर का यदि माइनस हटता है, अच्छा पावर का माइनस नहीं हटाया गया है, इसको ज्यों का त्यों रखा गया है, ठीक है ना, इस पावर के माइनस को नहीं हटाया गया है, ज्यों का त्यों रखा गया है, x^-2/3। अब देखिए इस पावर को यदि आप 1/3 को हटाते हैं, तो अभी आप जस्ट देखे हैं कि पावर में 1/3 का मतलब होता है करनी में 3, ये हो जाएगा e^x^3, ऐसे करनी में 3 लिख देना है आपको, ठीक है ना। तो अब आप चेक कर लीजिए कि इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन होने वाला है, ठीक है, 1/3 x^-2/3 e^x^1/3 या करनी में 3, ठीक है ना, घनमूल 3 भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल देखिए भाई, देखिए कितना मजेदार सवाल है, अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए कंटेंट का मतलब ये होता है, ठीक है ना, हम आपको लास्ट दिन के लिए ये सारे कंटेंट को रखे हुए थे कि अब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, आप पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, अब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए और अपने आप को एक बार आंकिए कि आपने कितना बेहतर तैयारी किया है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए तो क्या है ये, टैन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद अंदर में क्या है, दो को फंक्शन है, एगो ये आपका, पहले तो इसको ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा 5x, ठीक है ना। अब देखिएगा तो टेन का डिफ्रेंसिएशन हो गया, अब रूट का डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है, चलिए तो रूट में क्या है कि 5 भी है और कितना है x भी है, तो जब रूट में 5 है तो पहले रूट 5 को बाहर कर दीजिए आप, जब रूट x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, क्योंकि इसमें रूट दो गो है, देखिए रूट किस में है, एगो 5 में भी है x में भी है, तो 5 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर छोड़ देंगे, और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा तो x का, तो x में भी रूट लगा हुआ है, तो रूट x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। चलो भाई अब आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। हाँ एक चीज और, यहां देखिए जब आप इसको सजा कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रूट 5 sec स्क्वायर रूट 5x, ठीक है ना, अब बटा में कितना हो जाएगा तो 2√x। अब आप देखो कि ये कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, रूट 5, ओए होए
रूट पाँच सेक स्क्वायर रूट फाइव एक्स बटा में टू रूट एक्स, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। सब लोग मिलाते चलेंगे आप अपने आंसर शीट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर, और बताइए कि ये कितना मज़ेदार सवाल है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। सवाल क्या लिखा है कि एक बटा आठ है, तो पहले एक बटा आठ कॉन्स्टेंट होगा, बाहर कर देंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंसिएशन करना है, कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे। अब बटा में चार है, तो नीचे पावर यदि प्लस है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसके पावर में लिख देंगे माइनस। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे भाई, देखो एक बटा आठ कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे, और होल पावर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होता है, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, तो माइनस चार है एगो कम कर देंगे तो हो जाएगा माइनस पाँच, कम करने का मतलब एगो घटा देंगे तो हो जाएगा पावर में माइनस पाँच। ये कट गया आपका दो बार, ठीक है ना, देख लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस एक बटा दू, ध्यान से देखेंगे माइनस एक बटा दू, और इसके बाद ये पावर में जो माइनस लगा हुआ है यदि पावर के माइनस को हटाएंगे तो ये बटा में चलाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा माइनस एक बटा दू एक्स के पावर पाँच। चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। पहले तो आपको लॉग का नियम पता होना चाहिए, जो आप सबको पता होगा, यदि ये दो फंक्शन गुना में है और बाहर में लॉग है, लॉग लगाएंगे तो जोर में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा लॉग एक्स के पावर में ए और प्लस लॉग बी के पावर में एक्स। आपको पता है कि लॉग के गुणांक के पावर में यदि कोई कांस्टेंट होगा तो वो आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू लॉग एक्स और प्लस, यहां देखिए गुणांक के पावर में जो रहेगा वो आगे आ जाएगा, इसको लिखेंगे एक्स इंटू लॉग बी, ठीक है ना, एक्स इंटू लॉग बी। अब ध्यान से देखिएगा, डिफ्रेंसिएशन करना है, ए को बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, वन बटा एक्स, तो बटा में एक्स लिख दीजिए। अब प्लस यहां देखिए लॉग बी, अब आपका कांस्टेंट है, लॉग बी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखेंगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, एक, इसको लिख सकते हैं आप लॉग बी इंटू एक। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ए बटा में एक्स प्लस में लॉग बी। अंधुनारी आंसर मार के ऐसे प्रश्न को गलती कर ही लीजिएगा आप, ठीक है ना। यदि आप बिना बनेले इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जाकर, तो गलती कर ही लेंगे आप, ठीक है ना। इसलिए आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छा से देख लीजिए, और प्रश्न बनाना कैसे है ये भी आप देख लीजिए, और नहीं तो बोर्ड एग्जाम में जाकर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, कहेंगे हमने तो सही बनाया है, ये है सही आंसर इसका। क्लियर है सबका? चलो भाई अगला सवाल देखो आप, अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला सवाल है, देखो क्या है सवाल आपका है कि रूट अंडर सेक एक्स माइनस वन। पहले तो आप यहां ऐसे लिखिए, देखिए सेक का हो जाएगा वन बटा में कॉस एक्स माइनस वन, और बटा में सेक एक्स है ना यहां पर, तो फिर हो जाएगा वन बटा में कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है। चलिए देखिए इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स और बटा में कॉस एक्स, ठीक है ना, फिर हो जाएगा बटे वन प्लस कॉस एक्स और बटा में कॉस एक्स, ठीक है। ये देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा आपका, कितना बचेगा, बचेगा आपका रूट अंडर वन माइनस कॉस एक्स और बटा में वन प्लस कॉस एक्स। और अब आप सबको पता है कि वन माइनस कॉस एक्स बराबर होता है आपका टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना, और बटा में वन प्लस कॉस एक्स बराबर होता है आपका टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना, ये टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है सबका? टू से टू क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन बटे कॉस ना, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन बटे कॉस टेन ना, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, टेन एक्स बाई टू, ठीक है ना भाई। अब समझो कि टेन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखना पड़ेगा, यानी इसका हो जाएगा आपका वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। सवाल देख लीजिएगा,
ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दो अंक में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में दो अंक में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप ऐसे प्रश्न को इग्नोर ना ही करें तो ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। इस प्रश्न को एज इट इज आप अच्छा से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, पूछा जा सकता है आपके प्रश्न में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यह, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, देखो भाई अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या है, देखिएगा 8वां सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओहो देखो सवाल क्या है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर में भी हमको टेन इनवर्स चाहिए, और इसके लिए आसान काम क्या करना पड़ेगा कि हमको टेन लाना है तो ऊपर कॉस से भाग, नीचे भी कॉस से भाग। और सुनिए ये प्रश्न इतना यदि केवल है तो ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है, और आपके बोर्ड एग्जाम में दो अंक में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है ना। ये केवल यदि इतना है तो ये टोटल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, तो एक ही प्रश्न में आपका दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एक तो आपका डिफ्रेंसिएशन और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ज्यादातर आप ये ध्यान में रखिए कि ये प्रश्न डिफ्रेंसिएशन के भले हो या ना हो, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जरूर ये प्रश्न है, ठीक है ना। हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दो अंक के जरूर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो आपसे कहीं भी पूछा जाए, चाहे इनवर्स में पूछा जाए या फिर आपके डिफ्रेंसिएशन में पूछा जाए, ठीक है ना। तरीका वही होगा, इनवर्स में पूछा जाएगा तो केवल इनवर्स का क्रिया करके छोड़ देंगे, डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, और डिफ्रेंसिएशन में पूछा जाएगा तो इनवर्स प्लस डिफ्रेंसिएशन दोनों करना पड़ेगा आपको। आइए इनवर्स में जब ये सवाल पूछेगा तो क्या करेंगे भाई, तो टेन इनवर्स बाहर में है तो अंदर में टेन लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब टेन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अंदर में यहां टेन चाहिए ना, तो कॉस कॉस से भाग कर दीजिए, साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा। तो देखो भाई ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ऊपर में है आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। अब बटा में कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स से भाग कर दिए हम, ठीक है। फिर बटा ये है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अब फिर क्या करेंगे तो कॉस एक्स से भाग कर देंगे, ठीक है। चलो भाई देखो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, ठीक है ना। देखिएगा ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और बटा में कॉस एक्स, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए आप, नीचे आप यदि अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, ठीक है। देखिए ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, यहां भी कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए बचेगा आपका टेन इनवर्स वन प्लस साइन बटे कॉस टेन एक्स, और नीचे हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा और इसको बढ़ा दीजिए, क्या करेंगे पता है, एक को लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, ठीक है ना, टेन पाई बाई फोर अब प्लस टेन एक्स। देखिए कितना मज़ेदार सवाल है, और यहाँ वन ज्यों का त्यों रहने दीजिए, माइनस इसके साथ कुछ नहीं है, टेन एक्स के साथ एक तो है ना, तो आप समझ लीजिए कि एक की जगह पर टेन पाई बाई फोर हो गया, इंटू क्या हो जाएगा टेन एक्स। अब देखो भाई मजा आ गया सवाल में, आप ट्विस्ट आ गया कि इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन इनवर्स आपको पता है कि टेन ए प्लस टेन बी बटा में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी बराबर हो जाता है टेन ए प्लस बी, होता है ना। इसका हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी, ए के जगह पर हो जाएगा आपका पाई बाई फोर, अब प्लस बी के जगह पर कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है ना, पाई बाई फोर अब प्लस कितना हो जाएगा आपका एक्स। देखिए तो आपको पता है कि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका पाई बाई फोर प्लस एक्स, और आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यदि सवाल पूछा जाता तो इसका ये आंसर हो चुका है, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो चुका है, लेकिन जब ये सवाल डिफ्रेंसिएशन में पूछा है तो अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन चाहिए, तो ये कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा, और प्लस ये एक सॉरी एक्स है तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, एक के बराबर होगा। देख लीजिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगला सवाल देखिए यहां पर क्या है भाई, 1/2 बाहर में है, ठीक है, 1/2 को बाहर रखेंगे, और साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो होल पावर वाला है, पावर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, इसके बाद
ये होल पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है ना। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए, अब आपके मन में क्या चल रहा होगा कि हम इसको यहां टू से टू काट दें, ठीक है ना, टू से टू काट देते। जैसे ही टू से टू काटिएगा, अब इनमें से ऑप्शन ए नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा चालाकी करना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचना है कि अब आपका आंसर जो है ना किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, क्या काटने से आंसर आ रहा है या बिना काटे हुए फॉर्मूला लगाने से आंसर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बिना काटे हुए यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं तो आंसर आ जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन टू एक्स, साइन टू एक्स। देखो वन बाई टू साइन टू एक्स, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। देखो यहां पर इंटीग्रेशन का सवाल है और इतना मजेदार सवाल है कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इतना मजेदार सवाल है कि आपको देखकर ही मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा भाई, देखिए क्या किया है कि यहां पर एक्स स्क्वायर के पावर में 9 लिख दिया है। एक्स स्क्वायर के पावर में क्या लिख दिया है 9। तो आप जैसा जो होशियार बच्चा होगा उसको पता है कि पावर टू पावर गुना होता है, नहीं आप सब जैसे होशियार बच्चे को पता है कि पावर को पावर से हम गुना करते हैं, तो चलो भाई गुना कर लो। तो हो जाएगा x के पावर में 18 ना 18 इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। अब देखिए जब x के पावर 18 हो गया तो इंटीग्रेशन करना आसान है आपके लिए। कैसे आसान है भाई, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देंगे। जैसे ही पावर में एक जोड़ेंगे तो x के पावर 19 बट्टा में 19 और प्लस में c। अब देखो भाई निम्नलिखित में से कौन इसका सही आंसर है, तो एक ही तो है ऑप्शन नंबर डी, ऐसा ही तो है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वाह कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार सवाल। देखो भाई एक बट्टा में एक्स स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं क्या पता है एक्स माइनस टू का टू के पावर में माइनस टू, ठीक है ना, एक्स माइनस टू के पावर में माइनस टू। देखिए अब ये होल पावर वाला हो गया, तो जब होल पावर वाला फंक्शन होता है तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग कर देते हैं, ठीक है ना, उतने से भाग कर देते हैं और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। हाँ, और एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख देंगे, तो एक्स के साथ कांस्टेंट क्या है 1, लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसका हो जाएगा एक्स माइनस टू के पावर में माइनस 1 और बटा में माइनस 1 और प्लस में सी। इसको लिख सकते हैं आप क्या माइनस 1 बटा में, क्योंकि बटा ये माइनस हटेगा तो बटा में चला जाएगा, तो माइनस 1 बटा में एक्स माइनस 2 और प्लस में सी। चेक करेंगे कहां पर इसका सही आंसर आपको दिख रहा है, माइनस 1 बटा में एक्स माइनस 2 प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अब देखो सवाल आपके पास है कॉस एक्स डिग्री ना। तो हम आपको जस्ट अभी बताए हैं कि किसी भी सवाल में यदि डिफरेंशिएशन का हो या इंटीग्रेशन का सवाल हो, डिग्री डगरा का कोई जगह नहीं बनता है। डिग्री डगरा में ना ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना ही आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हालांकि ये सवाल इंटीग्रेशन का है तो इंटीग्रेशन भी तो नहीं कर सकते हैं, तो पहले इसको रेडियन में बदलेंगे, क्या हो जाएगा आपका कॉस पाई बटा में 180 एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, यह सब जानता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है ना, कितना पाई बटा में 180 एक्स, और जो एक्स के साथ कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना इसको हम बटा में लिखते हैं, लेकिन बटा में ना लिखकर आप पलट कर एक के बार आगे लिख दीजिए, उतना ही बात पड़ेगा। तो 180 बटा में कितना हो जाएगा पाई। पुनः आप यदि एक बार सभी ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से जो है ना यहां से पाई बटा 180 को हटा दिया गया है, तो बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने के बाद तो हटा ही सकते हैं। तो 180 बटा पाई साइन, जैसे ही पाई बटा 180 को हटाएंगे तो पुनः फिर से डिग्री आ जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 180 बटे पाई साइन एक्स डिग्री प्लस सी, 180 बटे पाई साइन एक्स डिग्री प्लस में सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। पहले तो आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्लास 10 में ही आपको पढ़ा दिया गया है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो इसका हो जाएगा यहां पर साइन 3 थीटा, ठीक है ना, इंटू डी थीटा, और साइन का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ही तो है,
साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कोणांक में जो है उसको ज्यों कहते हो, और थीटा के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको बटा में लिखेंगे और प्लस सी लिखेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री कॉस थ्री थीटा और प्लस सी जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलो भाई देखते चलिए बारी बारी से सब लोग, ठीक है ना। अगला है ये तो फॉर्मूला ही है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना। लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। वैसे सवाल इस सब का आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, इसके लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना भाई। देखो अब है यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन जो कि माइनस कॉस होता है, यहाँ लिखना अनिवार्य है माइनस कॉस, कोणांक में है आपका फोर एक्स तो फोर एक्स लिखना पड़ेगा देखो भाई फोर एक्स लिखना पड़ेगा, और एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट है वो बटा में आएगा तो बटा में चार भी लिखना पड़ेगा। अब इसका जो सीमा है वो कितना है, जीरो से पाई बाई टू है, जीरो से पाई बाई टू है भाई। देखो अच्छा सवाल है, माइनस वन बाई फोर को पहले बाहर करो, यहाँ कॉस के जगह पर अब मान रखो, कितना हो जाएगा तो चार गुने पाई बाई टू, ठीक है ना। अब माइनस कॉस चार गुने जीरो, यही तो करना है, ये कट गया आपका दो बार, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कॉस टू पाई, कॉस टू पाई माइनस कॉस जीरो डिग्री। और आपको एक बात बता दे कि कॉस टू पाई, कॉस जीरो डिग्री का मान कितना होता है, साइन जीरो डिग्री का मान जीरो होता है, कॉस जीरो डिग्री का मान एक होता है, ठीक है ना। और यदि कॉस जीरो डिग्री का मान एक होता है तो ठीक है, और यहाँ पर कॉस 360 डिग्री का मान भी एक के बराबर ही होगा, क्योंकि थ्री ए टू पाई जो है आपका ये चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है ना आपको कॉस को और सेक को प्लस में रखना होता है, तो ये आपका हो जाएगा एक के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस एक बटे चार, एक माइनस एक, ओह जीरो को माइनस एक बटा चार से गुना करेंगे जीरो के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। आगे चले देखिए भाई, अगला सवाल आपके सामने में है 17 नंबर। ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जीरो हो जाएगा, बल्कि और वो सच्चाई हो या ना हो अलग बात है, लेकिन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, और ये जो आपका फंक्शन है साइन, ठीक है ना, इसके पावर में ऑड नंबर है, ठीक है ना, इसके पावर में क्या है, ऑड नंबर है, और जब पावर में ऑड नंबर हो, ठीक है, तो ये आपका ऑड फलन होता है और इसका इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होता है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखेंगे 18 नंबर। देखो यहां पर कितना है क्वेश्चन, यहां पर लिखा है कि जीरो से पांच फाइव एक्स प्लस फोर, समझिए जीरो से पांच फाइव एक्स प्लस फोर, पहले तो पांच को बाहर रखो, एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू अब प्लस फोर एक्स। अब बारी बारी से मान रखो भाई एक्स के जगह पर, जीरो से पांच ना, जीरो रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पांच रख लेते हैं, ठीक है ना। फाइव बाई टू को बाहर रखो, एक्स के जगह पर पहले पांच रख दो, तो ये हो जाएगा पांच का स्क्वायर और प्लस चार गुने पांच कर लो, पांच के स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस एक सौ पच्चीस बटा दो और प्लस हो जाएगा आपका बीस, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा दो, एक सौ पच्चीस प्लस चालीस यानी हो जाएगा आपका एक सौ पैंसठ बटा में दो, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 165 बटा में दो, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए भाई सवाल आपका है x इंटू एक्स के पावर 1 बाई थ्री, ठीक है ना, x इंटू एक्स के पावर 1 बाई थ्री, इसको लिख सकते हैं आप x इंटू एक्स के पावर, सॉरी रूट एक्स है ना, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 1 बाई टू, ठीक है ना। हाँ अब आप ध्यान से देखिएगा, सीमा का मान है एक से चार ना, इंटू डी एक्स पावर में एक जोड़ेंगे क्योंकि इसका पावर एक है ना, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए इधर, सीमा का मान एक से चार पावर में एक जोड़ेंगे तो एक है आधा है तो डेढ़ हो जाएगा, यानी एक्स के पावर हो जाएगा थ्री बाई टू इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, तो एक्स के पावर फाइव बाई टू और इधर हो जाएगा टू बाई फाइव, ठीक है ना, मान रख दीजिए इसमें एक से लेकर चार तक है ना। चलो भाई यह हो जाएगा आपका 2 बाई फाइव, एक्स के जगह पर पहले 2 रखो 5 बाई टू माइनस एक रखो पावर में 5 बाई टू, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2 बाई फाइव, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर, सॉरी 4 है ना, यहाँ 4 है
इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुना में हो जाएगा 5/2, क्योंकि पावर टू पावर गुना हो जाता है, और माइनस हो जाएगा 1 के पावर में कुछ होगा 1, 2 के पावर 5 होता है आपका 32, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 ना, ये हो जाएगा आपका 2/5 माइनस, 2/5 माइनस लिखने की जरूरत है अभी, हाँ 2/5, और ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 1, 32 में से घट गया 31, 31 × 62/5, इसका आंसर हो जाएगा आपका 62/5, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पूरे ऑप्शन में 62/5 नहीं दिख रहा है, देखिए कमाल का है ना, बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन को भी सेट किया गया है कि आप आराम से तो पकड़ ही नहीं सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसके लिए आपको कुछ माइंड खर्च करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखिए तो 62/5 तो 12 × 25 = 60, शेष बच गया 2 और 1 0 डालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 5 × 4 = 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12.4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपके सामने में है, बहुत सिंपल सवाल है ये पहले भी एक बार कर चुके हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए x − 1 × x + 1 कर देंगे इसको, ये कट जाएगा 1/x + 1 बचेगा, इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, तो log x प्लस 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, भाई ये तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर दीजिएगा इसका, ठीक है ना। −π/4 से π/4 यहाँ पर ऑड नंबर है, ऑड फंक्शन है, इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, ये भी पावर में ऑड है, ऑड फंक्शन है, ये देखिए −π/6 से π/6 ऑड फंक्शन है, इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। आगे चलेंगे, देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए कितना मजेदार सवाल है, cos 2x है ऊपर में और नीचे है cos x + sin x। अच्छा पहले cos 2x बराबर क्या होता है आपको पता है, cos²x − sin²x होता है ना, और बटा में हो जाएगा आपका sin x + cos x, sin x + cos x का होल स्क्वायर। देखो भाई ये हो गया a² − b², तो ये हो जाएगा आपका a - b, ठीक है ना, a - b × a + b, cos x + sin x, ठीक है। अब बटा में हो जाएगा आपका sin x + cos x का होल स्क्वायर, sin x + cos x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा ये गो, ठीक है ना। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यानी नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। तो जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों प्लस में सी, ठीक है ना। इसका हो जाएगा लॉग बटा वाला ज्यों का त्यों प्लस में सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, 24 नंबर सवाल, देखिए सवाल बहुत अच्छा है, एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x² का हो जाएगा x³/3 प्लस बी बाहर रहेगा, ठीक है ना, इसका हो जाएगा आपका x² / 2 प्लस cx + d, चेक करो कि आपका इनमें से कौन सा सही आंसर है, ax³/3 + bx²/2 + cx + d, ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका सही आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, देखिए भाई 12 को आगे रखा है, ठीक है ना, और x³/1/2 है, ठीक है, रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 3/2, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे 3/2, इसको उलट कर आगे लिख देंगे प्लस में सी, ये कट गया आपका कई बार 4 बार, 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 8 × x³/3/2 + c, चेक करेंगे 8 × x³/3/2 + c, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आगे चलें, ये प्रश्न तो आप पहले भी एक बार कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं आप 3/1 − 3x² देखो भाई dx, अब आप यदि 3x को मानते हैं यहाँ से y, ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 3 के बराबर, और 3 से 3 आपका कट जाएगा ना, अच्छा इसमें रूट भी लगा हुआ है ना, इसका हो जाएगा आपका √1/√1 − y² इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर dy, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका साइन इनवर्स y, और y के जगह पर 3x है, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 3x, ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो आप देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 + x², जो कि आपके टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 28, 1/sin²x,
ऊपर जाकर ये हो जाएगा आपका कितना पता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, 100 इंटू डी एक्स, 100 का 100 रहने दीजिए, ठीक है ना, और डी एक्स का हो जाएगा आपका 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 100 प्लस में सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ओ एक का हो जाएगा x, सॉरी एक का हो जाएगा x, तो इसका हो जाएगा 100x, 100x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, 4 के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा। ठीक है ना, तो 4 के पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बटा में log a। ठीक है ना, log a, तो 4 के पावर x बटा में log 4 कहीं पर है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ, तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं है। सुनिए, टेक्निकल इसमें लिखा है क्या है, इसको लिख सकते हैं आप log 2 के पावर 2। ठीक है ना, और अभी आपको जस्ट बताए हैं कि गुणांक के पावर में जो होता है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के पावर x बट्टा में 2 into log 2, ये होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, देखिए सवाल आपका है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण x dx plus y square into dx, भाई सिंपल है, इंटीग्रेशन कर दो सीधे सीधे, x dx y square dx, नहीं भाई y square dx नहीं, y square dy। ठीक है ना, देखो इसका हो जाएगा x square by 2 plus y के पावर 3/3 और बराबर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट के बराबर, x square by 2 plus y के पावर 3/3 बराबर क्या हो जाएगा k, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं, हाँ अब बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है आपका, हम आपको बताए हैं आज सुबह सुबह वाले क्लास में, जो फॉर्मूला वाला क्लास आपका हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/2a ना, इसका होता है आपका 1/2a log a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स। ठीक है ना, देख लीजिएगा x माइनस 3 बटा में x प्लस 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33 नंबर, ठीक है, देखिए 33 नंबर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बटा में 16, इसको आप लिख सकते हैं 1/ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1/ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपको पता है कि 1/ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए अब प्लस में सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर है, सवाल है 7×7i.j, ओए होए अलग अलग है डॉट प्रोडक्ट में, 0 के बराबर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, देखिए डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग है 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, सोचना भी नहीं है कुछ भी, अलग अलग रहेगा 0 के बराबर, सेम टू सेम रहेगा 1 के बराबर। ठीक है ना, देखिए जे और के वाला का 0 हो जाएगा केवल, 7×4=28, आई को आई से गुना करेंगे 1, तो इसका आंसर 28 के बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, क्या है भाई देखिए तो, हाँ आई को आई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×6, इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, 4×3=12, के वाला नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो 12×6=18 ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, मापांक निकालना है, तो रूट अंडर कितना, 4+4+1, 4×4=8 है 1, 9, 9 का वर्गमूल 3 ऑप्शन नंबर ए के बराबर। आगे देखेंगे 39 नंबर क्या कह रहा है, इसका हो जाएगा 1/1+x² का टेन इनवर्स एक्स, नहीं टेन इनवर्स एक्स मान रख देंगे यहां पर, कितना से कितना तक, 1 से √3 तक भाई, पहले चलो √3 रखते हैं, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स √3 और माइनस टेन इनवर्स 1, टेन में √3 कितना का मान होता है 60 डिग्री का, यानी कि π/3 का, और माइनस π/4, इसका लॉसा हो जाएगा 12 4π-3π यानी हो जाएगा π/12 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, देखिए तो सवाल क्या है कि यदि a बराबर इतना है तथा b बराबर इतना होना चाहिए,
क्या लिख दिया है, ए बराबर इतना है, क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ लिख ले है। नहीं ऐसा नहीं लग रहा है क्वेश्चन गड़बड़ लिख ले है। तीन पांच दो तो हो जाएगा 25 और 9 यदि हम इसको बी भी मान लेते हैं। नहीं बीच में क्या लिख दिया, ए बराबर बी, नहीं ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है भाई, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। इसको देखिए क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ये ठीक है। सवाल कह रहा है कि सदिश इतना के दिशा में इकाई सदिश, देखिए किसी भी सदिश के दिशा में इकाई सदिश निकालना हो तो पहले सदिश को ऊपर लिख दो, आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ठीक है ना, और बटा में उसी का मापांक लिख दो, कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9 तो 9 एक 10 और 5 के स्क्वायर 25 तो 25 10 कितना हो जाएगा 35 तो रूट अंडर 35। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर, देखिए यहाँ पर क्या है सवाल आपका है कि अवकल समीकरण इतना का हल क्या होगा। सुनो भाई इतना का हल निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इधर आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा आई एफ का मान, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे भाई, आई एफ बराबर वाई के साथ क्या है तो ई के पावर में 4 है ना, इसका हो जाएगा आपका 4x, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आई एफ इंटू वाई बराबर क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। देखो आई एफ का मान कितना हो जाएगा, ई के पावर में 4x, ई के पावर में 4x इंटू वाई और बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की जगह पर कुछ नहीं इधर 0 है, 0 इंटू आई एफ ना, तो आई एफ का मान है कितना ई के पावर 4x। अब भाई 0 का तो 0 हो जाएगा, हाँ ओ भाई मौज कर दिए था, 0 का इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा ई के पावर में कितना 4x और फिर dx। सुनो 0 से गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका e के पावर में 4x इंटू वाई बराबर में इसके जगह पर जब 0 हो जाएगा तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आपका e के पावर 4x इंटू वाई बराबर k ना, या आप इसको इधर ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका आंसर यही देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर पावर यदि प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा के इंटू ई के पावर ई के पावर 4x, अभी तो बटा में 4x होगा ना, ई के पावर में 4x ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वाई इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो ई के पावर माइनस 4x इंटू में कोई कॉन्स्टेंट के, और कॉन्स्टेंट की जगह पर ए लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। और वैसे ही सवाल आपका है, वैसे ही सवाल आपका है 43 नंबर, ठीक है ना। देखिएगा इसका भी हो जाएगा, यदि आई एफ का मान निकालेंगे तो e के पावर में 4x ना, तो e के पावर 4x इंटू वाई बराबर हो जाएगा आपका, हाँ इसमें क्या दिया गया है देखिएगा, इसमें दिया गया है cos x आई ए इसके जगह पर ना, तो ये हो जाएगा आपका cos x इंटू e के पावर में 4x, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। चलो भाई अब हो जाएगा आपका e के पावर 4x। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना एक बार सही से देखिए, ओ केवल समाकलन गुणांक बोला है, ओ तेरी केवल समाकलन गुणांक बोला है, हम कहाँ भटक रहे थे, वही तो कहे ये सवाल जो है ना सब्जेक्टिव हो जाएगा, तब तो ये क्वेश्चन आपका 2 अंक का भी हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर सीधे कहा था कि समाकलन गुणांक मतलब आई एफ का मान निकालना है। चलो भाई आई एफ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, देखिए यहाँ देखिए y के साथ जो है ना इसका इंटीग्रेशन कर देंगे e के पावर में, तो 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 4x, यानी इसका हो जाएगा आपका e के पावर में 4x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है ना। देखिए 11 नंबर 99 ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आई जे के बाद हो जाएगा आपका k कैप, तो 99 k कैप जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला देखेंगे मूल बिंदु से तल इतना की दूरी कितनी होगी, वेरी सिंपल, मूल बिंदु से इस तल के बीच की दूरी निकालना है आपको, तो जो बराबर के दूसरे साइड दिख रहा है उसको ऊपर में और बट्टा में मापांक कितना, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 25 और 25 50 ना, तो हो जाएगा आपका 50, इसको लिख सकते हैं 6 बट्टा में 5 रूट 2, 50 को लिख सकते हैं 5 रूट 2, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए के बराबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है भाई, देखिए तो क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 तथा x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 5 के बीच का कोण क्या होगा। देखिए दोनों के बीच का कोण निकालना है cos थीटा बराबर, ठीक है ना, कैसे बताएं कैसे छुपाएं यारा समझ। देखो भाई cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, गुना कीजिए कितना, यह हो जाएगा आपका 2 इकाई 2, इसके बाद y को तो यह हो जाएगा -2 और यह हो जाएगा z और यहाँ है प्लस z तो यहाँ हो जाएगा +1 और बट्टा में ध्यान से देखिएगा इसका हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर 4, 1 5 1 6 यानी √6, इसका भी हो जाएगा आपका 1 ना आ 1 2 आ 2 4 यानी √6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर 1/6 यानी थीटा बराबर cos इनवर्स 1/6, ठीक है ना, थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/6 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ अगला सवाल देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1 2 3 यदि द्विक अनुपात वाले रेखा है तो उसकी द्विक कोज्या क्या होगी। सिंपल है, इसी के बट्टा में आपको लिख देना है ये जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3, ठीक है, इसका पहले मापांक निकाल दीजिए, 1 का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 9, 9 4 13 1 14 ना, तो यह सबके बट्टा में 14 लिख दीजिए, 1/√14, 2/√14, 3/√14 यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है भाई, ठीक है ना, क्या है 48 नंबर, क्या कह रहा है सवाल, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बहुत सिंपल है आसान है, कैसे निकालेंगे देखिए यहां पर ये जो आपका है ना क्या करेंगे इसको, आई को आई से 2 इकाई 2, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस फिर 2 इकाई 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, हाँ 2 से 2 कट गया, 1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। देखो भाई ये प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों माइनस 1 के लिखा ली, इसमें से को प्लस 1 कर दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर और यहाँ देखिए e के पावर में 5x है ना, मतलब आपको खंडस समाकलन चाहिए, ठीक है, खंडस समाकलन के अनुसार क्या करना है, पहला को बाहर रखना है, देखो यहाँ पर सही सजा हुआ है, अलजेब्रा के बाद आपका आता है ना ILATE सबसे लास्ट में आता है, ठीक सजा है, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन यानी e के पावर 5x का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला क्या है x ना, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 into dx, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x/5 × e^5x - 1/5 बाहर है और e के पावर 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो e^5x/5 अब प्लस में कितना हो जाएगा c, यानी इसका हो जाएगा x/5 e^5x - 1/25 e^5x आप प्लस हो जाएगा आपका c, ठीक है ना। आप चाहे तो यहां से जो है ना e^5x तो कॉमन ले ही सकते हैं पहले तो e^5x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो बचेगा कितना x/5 - 1/25 अब प्लस में सी, e^5x बाहर में है इसका लॉस तो 25 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 5x - 1 अब प्लस में सी, यानी इसको लिख सकते हैं e^5x/25 और ये हो जाएगा आपका 5x - 1 प्लस में सी। चेक कर लीजिएगा कहाँ पर है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए में आपको इसका सही आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है, देखो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है, 7 × 2 = 14 और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 और इसके बाद हो जाएगा आपका ये प्लस माइनस माइनस 5 × 5 = 5, 9 × 5 = 14 में से 14 घट गया 0 के बराबर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। 50 क्वेश्चन अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है ना, और 50 क्वेश्चन में से आपने कितना का सही जवाब किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, 50 क्वेश्चन अगले दिन हम लोग देखेंगे अब, ठीक है ना। हाँ
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।